देर रात भागलपुर में पुलिस कस्टडी में सिंचाई विभाग के कर्मचारी संजय यादव की मौत के बाद जहां लोगों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस कस्टडी में हुए मौत के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घंटों बवाल काटे जाने के बाद जिला प्रशासन ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए बरारी थाना अध्यक्ष प्रमोद साहब को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही साथ विभागीय जाँच का भी आदेश दिया है। SDO आशीष नारायण ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते सरकार जो भी सहायता राशि और अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने का प्रावधान होगा वो किया जाएगा। वहीं ADM राजेश झा राजा, SDO आशीष नारायण और बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सिंचाई कर्मचारी का शव पोस्टमार्टम कराकर बरारी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कराया गया है। क्या इस जो मामला हुआ है इसमें क्या प्रोविजन है? कल के जो घटना हुई थी उसके बाद फरारी के लोगों ने बहुत कंट्रोल रखा है, बहुत नियंत्रण में रहे हैं, वो सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ही रखा है। किसी तरह का अभद्र व्यवहार या कोई भी व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं की है, यह काबिले तारीफ है। और जैसा कि जानकारी मिली है SSP मैम से कि जो थानाध्यक्ष थे प्रारी के उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा DM साहब के द्वारा न्यायिक जांच भी अनुरोध किया गया था। इस आलोक में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के द्वारा न्यायिक जांच भी बैठाई गई है और जो जांच होंगी उनके आउटकम से उनके फलाफल से आएगी कार्रवाई की जाएगी। अनुकंपा के आधार पर अनुकंपा के आधार पर जो सरकारी प्रावधान के अनुसार नौकरी मिलती है वो अवश्य रूप से मिलेगी। इसके लिए हम लोग भी अपने स्तर से भी कार्रवाई करेंगे और जहाँ भी सहायता की जरूरत होगी वहाँ पर हम लोग मदद करेंगे कि कार्यालय में उनका कार्य शीघ्रता से। मुआवजा के लिए भी कोई बात नहीं? सरकार की तरफ से जो भी क्योंकि वो सरकारी कर्मी थे तो जो दिन देय होगी राशि उनके PF अकाउंट के जो भी उनका कटा होगा तो उनके लिए वो सब दिया है। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।